पुलिस वाले जहाँ दिख रहे थे इनके वजह से छोड़ा गया इधर। भाई तो होंडा की होंडा ही है ना हमारी। दो दो टी शर्ट पहनी है इसने अंदर, ठंड तो उसको तब भी लग रही है। ये भागेगा इसके पीछे। चलो पहाड़ों में हमारे काफी ज्यादा ठिकाने हैं। स्कूटी यहीं से नीचे कूदा था मैं। हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। सो गाइस रात में खो गई थी हमारी चाबी और सुबह 5 बजे उठ के तुरंत ये पहन के सबने। भाई ठंड तो नहीं हो रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे, हालत खराब हो रही है। और गए हम चाबी ढूंढने और उतनी उस साइड हमें चाबी मिली वहाँ पे ढूंढते हम कल आए थे वहाँ लैंसडाउन उस रास्ते से भी होकर आए थे। ओवरा ब्लू ब्लू से जो ऊपर दिख रही थी ये इस साइड से हम आए थे रात में और पूरा घूमते घूमते भाई हम और कहाँ से आए वहाँ से इधर से पूरा पीछे घूम घाम के ये फिर यहाँ से हम नीचे उतरे। मिल गया हमें चाबी और अब चलते हैं वापस घर की तरफ। पहले जाएंगे कोटद्वार फिर वहाँ से निकलेंगे फरीदाबाद। चलते हैं चाय वाय पी के थोड़ी गर्मी ला के और चद्दर वद्दर ओढ़ के। निकल गए हम घर की तरफ और चाबी मिल गई हमारी। ये हमारे हेलमेट, रास्ता ये रहा। चल दिया हमारा ब्लॉगर। दो दो टी शर्ट पहनी है इसने अंदर, ठंड तो उसको तब भी लग रही है। भाई ठंड कितनी है? हाँ तो जाम हो रहा है। और भाई अभी ये मई चल रहा है, मई मई में ये हाल है। हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी की साइड और ये रही हमारी चाबी जो खो भाई तो होंडा की होंडा ही है ना हमारी। हाँ एक्टिव वाले। हमने 150 किलोमीटर ट्रिपलिंग करके सफर करा भाई, पूरा 150 किलोमीटर। 3 लोग बैठ रहे थे, पुलिस वाले जहाँ दिख रहे थे माइक को उतारा और फिर चलते बने यही करा। व्यू देखो यहाँ का, पहाड़ों में हमारे काफी ज्यादा ठिकाने हैं। जहाँ पे भी जाओ फैमिली का कोई ना कोई रिश्तेदार, थोड़ी थोड़ी दूरी पे कोई ना कोई मिल ही जाता है। और हम चले जाते भटकते हुए ऐसी रात में, 8:30 बजे पहुंचे भाई और एकदम अंधेरा हो रहा था रास्तों में, रास्ते एकदम सुनसान, हालत ख़राब हो रही थी भाई, डर लग रहा था। और हमने स्कूटी घुसेड़ दी जंगल में। अभी दिखाएंगे कहाँ खड़ी कर रखी हमने स्कूटी। चाबी हमारी कहाँ खोई थी दिखाता हूँ, ये नीचे यहाँ हमारी और अब क्या चाबी पड़ी थी। और अब गाइस एक और खुशखबरी, भाई घर पे चारों छोड़ के आ गए। मैंने 2 बार बोला कि भाई चार्जर लिया, बोला हाँ रख लिया। और अब चेक कर चार्जर गायब है, आयुष गया लेने, भगा के भेजा उसे। ये कुत्ता और ये हमारे पीछे पीछे आ गया, पूंछ हिलाते हिलाते ये आ गया चार्जर लेके। और ये देखो ये भागेगा इसके पीछे, इसका सूंघेगा। अब चार्जर ले आया, आजा आजा जल्दी आ, फटाफट सूंघ रहा है भाई, जल्दी आओ। ए दोस्त बन गया भाई, अभी से कुछ नहीं करना, स्कूटी में बैठा के अपने वहां लेके जाना है। चलो ये हम आए थे रात में यही। और ये भाई स्कूटी यहीं से नीचे कूदा था, मैं बोला रास्ता खत्म हो गया, बोला नहीं यही रास्ता है। स्कूटी खड़ी करी हमने वहाँ पे जो नीला नीला दिख रहा है वो, भाई रात में जंगल में आके। और भाई हमारी हालत ख़राब हो रही थी अब बीचों बीच में, क्योंकि ऊपर जंगल है, इस साइड पूरा जंगल है, घर नहीं है। और ये कुत्ता भाई हमारे पीछे पीछे आ रहा है, लेके जाना पड़ेगा इसे। ये रही हमारी धन्नो, इस धन्नो ने 150 किलोमीटर चल के बहुत साथ दिया हमारा, अभी चलेगी 30-35 किलोमीटर और से सायो उबड़ खावट पूरा। 3 बैठ के तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम जा रहे दोनों पैदल और भाई लेके आ रहा है स्कूटी। बाय बाय
चलो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से वापस। पेट्रोल हमारा फुल भाई, यहाँ तो पेट्रोल पंप ही नहीं है। डायरेक्ट दुगड्डा पे मिलेगा पेट्रोल पंप। और रोड देखो हम कहाँ कहाँ से आए थे रात में। हेलमेट निकालना दूसरा ध्यान रखना भाई। यहाँ भी रहते हैं क्या? यहाँ भी रहते हैं दो घंटे मिलेगा। ये हाँ तेरा 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 पागल जिन्नी है। सास ससुर बैठे हुए यहाँ पे और उसकी जिससे शादी होने वाली है। ये आयुषी साले साली और ये आयुष के साली का लड़का। अब आएंगे हम एक से दो महीने बाद और ब्रूम ब्रूम स्प्लेंडर लेके आएंगे, फिर घूमेंगे दूसरी साइड और ये आगे मिक्स खुलोगे। ये उल्टी उल्टी करती हुई कोटद्वार जा रहे हैं गाइस। कोटद्वार ये देवी खाल गांव। गाइस हम आ गए दुगड्डा, 2 किलोमीटर रह रहा है सिर्फ। हालत खराब है, अब धूप में आके थोड़ा मजा आ रहा है भाई। गाइज हमने यही रास्ता देखा था और इसने हमें 35 दिखाया लेकिन ये हमें 70 लेके चला गया। साला झूठ बोल रहा है। धूम खाल में जाकर फिर 35 और दोबारा 35 और हो गया था भाई। तो इस रास्ते ही हमें याद रहेगा। और यहाँ से कोटद्वार 18 किलोमीटर और ये है गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट लैंसडाउन वीर गढ़वालियों का गढ़ 22 किलोमीटर। हम वहाँ पे भी गए थे गाइज बट वीडियो नहीं बनाई क्योंकि डर लग रहा था फौज में मार लगा दे। अंधेरा भी हो गया था गाइस, कुछ दिख रहा नहीं था। इन्होंने द्वार से छोड़ दिया इधर, सुबह सुबह जा रहे कोटद्वार, इनके वजह से छोड़ा गया इधर, ये पुलिस वाले हैं। सो गाइस पहुंच गए हम पेट्रोल पंप एंड पेट्रोल भरवा लिया हमने और अब चलते हैं जिनकी स्कूटी उनको देंगे। कल गाइस हम इसे दिखा नहीं पाए थे तो आज दिखाते हैं। आते टाइम ये था वो मंदिर जो गड्ढा की साइड पड़ता है, यही मंदिर। जय हो सिद्धवती बाबा की। सो गाइस लास्ट ईयर हम आए थे, यही था वो मंदिर जिसके ऊपर गए थे और नीचे बोरी नदी जहाँ पे हम नहाए थे और एक और यहाँ नहाने का, बट यह बहुत ज़्यादा गहरी और हम नहाए थे भाई उस साइड जो दिख रहा है दूसरी साइड में, यह है पुल, इसी को क्रॉस करके जाते हैं सिद्धवती। और यह है होटल जो दिख रहा है यहाँ सामने, चलते हैं अपना तरफ। और यह है दिल्ली का बोर्ड 203 किलोमीटर दिल्ली। आ गया तू? फाइनली पहुंच गए हम घर। हेलो गाइस, ये मेरे को लेके नहीं गए। अगली बार जाएंगे तुझे लेके। चलो अब चलते हैं अंदर एंड बैठते हैं थोड़ी देर। गाइस पहुंच गए हम उत्तराखंड कोटद्वार के बस स्टैंड में एंड अब चलते हैं अंदर की तरफ और ढूंढते हैं अपनी बस, हमारी बस कौन सी है फिर, क्योंकि हमने पहली बुक करा ली थी बस। और फिर बैठते और निकलते अपने फरीदाबाद के लिए। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं अपने घर मतलब फरीदाबाद एंड अब चलते हैं यहां से घर की तरफ। बाय।